अस्सलाम वालेकुम जी। तो सल्फ़र के बारे में आपको रिकमेंडेशन देने जा रहे हैं कि कौन से इस्तेमाल करना चाहिए जब आप छट्टा कर रहे होते हैं। तो ये चीता सल्फ़र, इसमें जो 11% है वो नाइट्रोजन भी मौजूद है और 75% आपकी जो सल्फ़र मौजूद है। तो ये आप देख रहे हैं कि दानेदार है और काफ़ी अच्छा छट्टा करने के लिए, जबकि दूसरे में काफ़ी नुकसान होते हैं। आइए इस बंदे से जानते हैं कि इसने क्या क्या नुकसान दिखे, बड़ा एक्सपर्ट बंदा ये छट्टा वगैरह करने में, तो इससे रब्ता करते हैं। दानेदार सल्फर निशानी दसी के जो पाउडर होता है वह छट्टे कि यानी आप खाद में मिक्स किया है तो वह जमीन पहुँच जाता पूरा बहुत थोड़ा पहुंचता और होंदा भी सिर्फ एक के जी है। जाफर संद है 75% सल्फर 11% यूरिया जी ते यानी है उस लिहाज ने मकदार भी ज्यादा आ गई और दाना भी है। दाना वैसे तो सट्टो तो हाथ च नहीं रहा है चक्कर। तो मुझे भी चीता सल्फर का पहले नहीं पता था कि इनके पास चीता सल्फर भी है, क्योंकि मैं यूरिया तो इनकी लेके आया था, लेकिन जब मैं शॉप पे गया तो मसला बताया कि यार इस तरह से है और सल्फर छट्टे से करना तो बहुत मुश्किल है, ड्रम से तो हो सकेगा। तो उन्होंने कहा आप दानेदार रिकमेंड किया मुझे। जब मैंने देखा और इसकी मैंने स्टडी की तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि इसका रिज़ल्ट भी, और बाद में मैंने इस्तेमाल किया और इसका रिज़ल्ट मुझे काफ़ी अच्छा मिला। अभी ये तकरीबन 2 एकड़ के लिए कहते हैं, लेकिन आप 2.5 एकड़ पर भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसकी कीमत भी जो थी वो 2500 रुपया थी। जो दूसरा आप रिकमेंड करें तो वो आपको इससे ज़्यादा का पड़ जाता है, 2500 या 2700 रुपये कीमत थी इसकी। तो उस लिहाज से ये काफ़ी बेहतर और रिज़ल्ट में अच्छा, और इसके साथ यूरिया भी ऑलरेडी मौजूद है। जो यूरिया के साथ कोटिंग होती है तो इसकी जो अफादियत है वो भी ज़्यादा हो जाती है। तो जिससे तो ये हर लिहाज से बेहतर है। आप पानी में भी लगाएं तो ये मिक्स हो जाएगा, जैसे यूरिया मिक्स हो जाती है, DAP भी करने पे मिक्स हो जाती है। उसके बाद मैं आपको बताता चलूँ कि न्यूट्राफिल यूरिया का काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट आए हैं। हमने ये लगा के देखी, ये कीमत तो इसकी ज़्यादा थी, 3600 रुपये की हमें मिली थी, हमने तकरीबन 1-2 माह पहले ही ये परचेज़ की थी और दूसरी भी लगा के देखी, लेकिन इसके रिज़ल्ट काफ़ी ज़्यादा हैं। इस पर मैंने मुकम्मल वीडियो भी बनाई है, वो आप चैनल पर विज़िट करके दे सकते हैं। उसके बाद ये जो अमोनियम सल्फेट खाद अलग-अलग लगाइए, इसमें आपको सल्फ़र डालने की ज़रूरत नहीं है, इसमें कुछ परसेंटेज यूरिया की और मोस्टली जो है वो आपकी सल्फ़र मौजूद होता है। अगर आप वो सल्फ़र इस्तेमाल करते हैं तो फिर आपको अमोनियम सल्फेट इस्तेमाल करने की नहीं ज़रूरत, अगर ये कर रहे हैं तो वो करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें सल्फ़र ऑलरेडी मौजूद होता है। लेकिन कुछ ज़मीनों में दोनों मिला के भी की जा सकती है। तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और एग्रीकल्चर के रिलेटेड वीडियो के लिए जुड़े रहें हमारे साथ।